आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन आगामी विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शाखा को नियमित किए जाने की मांग की जा रही है। विभिन्न विभागों में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से काम लिए जा रहे हैं वह बंद किए जाएं। जैसे स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग जो मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से काम लेते हैं और उनका मानदेय बहुत कम है, आज की महंगाई के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाया जाए, यह मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कलेक्ट्रेट 23 जनवरी से लेकर आगामी 28 जनवरी तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हमारा नाम साधना पाठक है। आपके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? जी, हमारे यहाँ तो ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रांत में है सर, और हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी एकत्रित हुए हैं। हम लोग इसलिए हुए हैं कि हमारी पुरानी लंबित मांग है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, तो अभी तक हम लोगों को शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया गया, क्योंकि चूंकि आपको बता दें कि हमारी नियुक्ति विधिवत रूप से SDM के द्वारा और विधिवत रूप से कलेक्टर के द्वारा की जाती है, और हम लोगों की योग्यता सहायिकाओं की 8 पास और हम लोगों की 12 पास से ली जाती है, जो आज तक हम लोग परमानेंट नहीं हुए। ये हमारे मध्य प्रदेश शासन की बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि महिलाओं का आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। यहाँ ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना हमारा 23 तारीख से ये 28 तारीख तक है धरना प्रदर्शन। अगर हमारी मांगे स्वीकार नहीं की जाती हैं तो हम लोग प्रांतीय स्तर पर सभी लोग एक साथ होकर के भोपाल में जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक कि हम लोगों को शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।